वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस की पिछली सरकारों पर हमला बोलते रहे हैं। पीएम ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम ने रविवार को कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी पर देश की अखंडता और हितों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल पीएम मोदी ने यह प्रतिक्रिया सूचना के अधिकार आरटीआई रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1974 में कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। इसी खुलासे को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। पीएम मोदी ने आरटीआई रिपोर्ट को आंखें खोलने वाली और चौंकाने वाली रिपोर्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के इस कदम से लोग काफी नाराज हैं। कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के लिए तालियां। पोस्ट में अमित शाह ने लिखा है कि उन्होंने स्वेच्छा से कच्चातीवू को छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं था। उन्होंने आगे लिखा कि कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वो सिर्फ हमारे देश को बांटना या तोड़ना चाहते हैं। कोई पूछे इनको कच्चातीवू क्या है, इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बता रहा हूं ये कच्चातीवू और ये कच्चातीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख कर करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्चातीवू वापिस ले आइए। एक कच्चातीवू है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कब दिया था, कहां गई थी, क्या ये भारत माता नहीं थी वहां, क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा।